14 मार्च 1931 को एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम था आलमारा। यह अपने आप में अजूबा थी क्योंकि यह भारत की पहली बोलती फिल्म थी। अभी तक साइलेंट फिल्में देख रहे देशवासियों को जब पता चला कि फिल्में पर्दे पर कलाकार ना सिर्फ बोलेंगे बल्कि गाएंगे भी, तो थिएटर्स में भीड़ टूट पड़ी। दोपहर 3 बजे शुरू होने वाले शो के लिए सुबह 6 बजे से लोग टिकट खिड़की की कतार में खड़े हो गए। टिकट खत्म हुए तो दंगे पर भी आमदा हो गए। भारतीय सिनेमा में ये पहली बार था कि सिनेमाघरों के बाहर ब्लैक में टिकट बिके। लोगों ने 25 पैसे का टिकट 5 रुपए में खरीदा। हफ्तों तक सारे शो बुक रहे। लेकिन क्या आपको मालूम है ये फिल्म किसने बनाई? उन्हें इसे बनाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? किस जुनून ने इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी उस इंसान को ये इतिहास रचने के लिए प्रेरित किया? नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। और दोस्तों, आज के किस्सों के सफर में कहानी हिंदी सिनेमा में ये क्रांति लाने वाले फिल्म मेकर अर्दशीर ईरानी की। अर्दशीर ईरानी ने ही फिल्म आलम आरा बनाई। वो साइलेंट फिल्मों से कुछ अलग, कुछ नया बनाना चाहते थे, तो विदेशों से नई साउंड टेक्नोलॉजी लाए। बोलती सिनेमा का कॉन्सेप्ट चोरी ना हो जाए इस डर से वो फिल्म की शूटिंग भी आधी रात में करते थे। पूरी फिल्म ही रात 1 बजे से सुबह 4 बजे के बीच शूट की जाती। अर्दशीर ईरानी ने ही भारतीय सिनेमा को पहली बोलती, पहली रंगीन और पहली अंग्रेजी फिल्म भी दी। फिल्मों का शौक था लेकिन पैसे नहीं थे। फिर कैसे एक लॉटरी ने बदल दी इनकी किस्मत और रच दिया इतिहास। असल में कौन थे अर्दशीर ईरानी? कैसे लगा इन्हें फिल्मों का चस्का? कैसे पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री ने इतिहास बदलने में की इनकी मदद? क्या है 78 मुर्दा इंसान के जिंदा होकर बोलने की कहानी? इतने सारे इतिहास रचने वाले इस महान फिल्म मेकर ने क्यों अचानक फिल्में बनाना ही छोड़ दिया? भारत की पहली रंगीन फिल्म बनाने की क्या कहानी है, जानेंगे और भी बहुत कुछ। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। खान बहादुर अर्दशीर ईरानी का जन्म 5 दिसंबर 1886 को पुणे के एक पारसी परिवार में हुआ। उनके पिता ईरान से भारत आए थे। पिता कुछ विदेशी इंस्ट्रूमेंट को भारत में बेचा करते थे। पढ़ाई के बाद अर्दशीर केरोसिन बेचने और स्कूल में पढ़ाने का काम किया करते थे। कुछ समय बाद पिता के नक्शे कदम पर वो भी फोटोग्राफी सीखने के लिए बॉम्बे, जिसे अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, वहाँ के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स आ गए। उस समय भारत में फोटोग्राफी की शुरुआत ही हुई थी। ऐसे में विदेशी कैमरे, विदेशी कंपनियां और प्रिंटिंग प्रेस की भारत में अच्छी पकड़ बन रही थी। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहेब फाल्के ने भी उसी कॉलेज से फोटोग्राफी सीखी थी। हॉलीवुड का यूनिवर्सल स्टूडियो भारत में अलेक्जेंडर सिनेमा चलाता था, जिसके कैमरों और दूसरे इक्विपमेंट्स की जिम्मेदारी अर्दशीर को सौंपी गई। 1905 में अर्दशीर ईरानी को यूनिवर्सल स्टूडियो का इंडियन रिप्रेजेंटेटिव चुना गया था। यहाँ काम करते हुए उन्हें फिल्म मेकिंग में ऐसी दिलचस्पी जागी कि उन्होंने हर काम बारीकी से सीखना शुरू कर दिया। अर्दशीर ईरानी को हमेशा से लॉटरी टिकट खरीदने में बेहद दिलचस्पी थी। 1903 में उन्होंने लॉटरी के जरिए 14,000 रुपए जीते। उस जमाने में ये एक बड़ी राशि थी। इन रुपयों से उन्होंने एक टेंट बनाया जिसमें प्रोजेक्टर के जरिए वो विदेशी फिल्म बनाया करते थे। 1913 में दादा साहेब फाल्के की फिल्म राजा हरिश्चंद्र के बाद भारत में फिल्में बनना शुरू हो गई। तब लॉटरी की बची हुई रकम से अर्दशीर ने शूटिंग के जरूरी इक्विपमेंट खरीदे। 1922 में अर्दशीर न्यूयॉर्क से फोटोग्राफी सीखकर आए भोगीलाल दवे के साथ स्टार फिल्म स्टूडियो शुरू किया। भोगीलाल दादा साहेब फाल्के के स्टूडियो हिंदुस्तान फिल्म्स के पूर्व मैनेजर थे। 1922 में उनकी फिल्म वीर अभिमन्यु रिलीज हुई। करीब 17 फिल्में बनाने के बाद दोनों की पार्टनरशिप टूट गई और 1925 में अर्दशीर ईरानी ने एम्पीरियल फिल्म की शुरुआत की। उन्होंने इस स्टूडियो से 62 फिल्में बनाई। अर्दशीर ईरानी ने 1917 में अपनी पहली साइलेंट फिल्म नल दमयंती बनाई, जिसे 1920 में रिलीज किया गया।
1929 में अर्धशीर ईरानी अमेरिकन रोमांटिक ड्रामा प्ले शो बोर्ड देखने एक्सेलसियर थिएटर पहुंचे थे। इस प्ले को अलग साउंड के साथ दिखाया जा रहा था, इसी से प्रेरित होकर उन्होंने बोलती फिल्म बनाने का फैसला किया। उनके पास साउंड और साउंड तकनीक का कोई अनुभव नहीं था, ऐसे में उन्होंने विदेश में रहकर साउंड तकनीक सीखी। फिल्म बनाने के लिए बिजनेस टाइकून सेठ बद्री प्रसाद दुबे ने 40,000 रुपए की मदद दी। अर्धशीर ईरानी जानते थे कि अगर लोगों को पता चलता कि वो साउंड फिल्म बना रहे हैं तो कई और लोग भी इस फिल्म में उतर आते, इसलिए उन्होंने फिल्म को राज रखा। इस फिल्म में लीड रोल के लिए जुबैदा और मास्टर विठल को कास्ट किया गया। शुरुआत में अर्धशीर ईरानी फिल्म से महबूब खान, जो बाद में मदर इंडिया के डायरेक्टर हुए, उन्हें लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन पॉपुलर चेहरा लेने के लिए उन्होंने फैसला बदल लिया। इससे महबूब खान को काफी दुख पहुंचा था। वहीं रूबी मेयर्स को भी फिल्म से सिर्फ इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उनकी हिंदी और उर्दू में पकड़ मजबूत नहीं थी, जबकि उन्होंने इस फिल्म के लिए 1 साल तक एक्टिंग ट्रेनिंग ली थी। जब मास्टर विठल को पहली बोलती फिल्म का ऑफर मिला तो वो झट से राजी हो गए और उन्होंने सर्दी स्टूडियो से अपना कॉन्ट्रैक्ट तुरंत खत्म कर लिया, जहाँ से उन्होंने करियर शुरू किया था। इस बात से नाराज उस स्टूडियो ने उन पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। ऐसे में उस समय वकालत पूरी कर चुके मोहम्मद अली जिन्ना ने मास्टर विठल की तरफ से केस लड़ा और उन्हें सभी आरोपों से मुक्त करवाया। जब भारत आजाद हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की नींव रखे और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। फिल्म में साउंड का इस्तेमाल करने के लिए अर्धशीर ईरानी ने लंदन इंग्लैंड जाकर इसकी ट्रेनिंग ली। बाहर साउंड रिकॉर्डिंग करने पर उन्हें शोर शराबे में दिक्कत हो रही थी, ऐसे में उन्होंने इंडोर शूटिंग की। इंडोर शूटिंग में सबसे बड़ा चैलेंज था सनलाइट। उस जमाने में सनलाइट में फिल्म शूट होती थी। अर्धशीर के पास इसका भी तोड़ था, उन्होंने आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय फिल्म मेकर बने। फिल्म आलमारा का सेट रेलवे ट्रैक के पास बना था। हर दिन जब कलाकारों के डायलॉग रिकॉर्ड करते हुए ट्रेन के शोर से दिक्कत होने लगी तो अर्धशीर ईरानी ने देर रात फिल्म की शूटिंग करने का फैसला किया। शूटिंग रोज रात 1 बजे शुरू होकर सवेरे 4 बजे तक हुआ करती थी। रिकॉर्डिंग मशीन चलाने के लिए अर्धशीर ने हॉलीवुड के साउंड एक्सपर्ट विलफोर्ड डेमिंग जूनियर को भारत बुलाया था, लेकिन वो हर दिन के लिए 100 रुपये फीस ले रहे थे। एक बड़ी राशि थी, ऐसे में उन्हें वापस भेजकर अर्धशीर ईरानी ने खुद ही मशीन ऑपरेट की थी। साउंड रिकॉर्डिंग के कलाकारों से थोड़ी दूरी पर ही माइक्रोफोन रखे गए थे, जिसके लिए कलाकारों को चिल्ला चिल्ला कर डायलॉग बोलने पड़ते थे। कैमरा फ्रेम से कुछ दूरी पर तबला वादक बैठाया गया था जो हर सीन के हिसाब से साउंड दे रहा था। फिल्म में कुल 78 लोगों ने एक्टिंग कर डायलॉग बोले थे। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए अर्धशीर ईरानी ने अखबारों में छपवाया था कि 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उन्हें बोलते हुए देखो। इंग्लिश में लिखा था ऑल लिविंग ब्रीदिंग 100% टॉकिंग। फिल्म प्रमोशन के लिए अखबार में छपी टैगलाइन लोगों में उत्साह पैदा करने में सफल हुई। 14 मार्च 1931 को फिल्म का पहला शो दोपहर 3 बजे से था, लेकिन इसकी टिकट लेने के लिए लोग सुबह 6 बजे से लाइन में आकर लग गए। शुरुआत में फिल्म के टिकट की कीमत 4 आना यानी 25 पैसे थे। जिसने भी फिल्म देखी वो देखता रह गया। साउंड और डायलॉग्स ने फिल्म में जान डाल दी। फिल्म का गाना दे दे खुदा पे प्यार हिंदी सिनेमा का पहला गाना बना, जिसे मोहम्मद वजीर खान ने आवाज दी थी। इस फिल्म में कुल 7 गाने थे। अर्धशीर ईरानी की फिल्म देखने के लिए दूसरे दिन से ही ऐसी भीड़ लगी कि देखते ही देखते दंगे शुरू हो गए। काबू पाने के लिए पुलिस को बुलाया गया, ऐसा फिल्म राइटर बीडी गर्ग ने अपनी बुक आर्ट ऑफ सिनेमा में फिल्म आलम आरा के लिए लिखा था। फिल्म का क्रेज ऐसा था कि लोगों को फिल्म देखने के लिए कई हफ्तों बाद की टिकट मिलती थी, क्योंकि हफ्ते भर के शो बुक रहते थे। 4 आने में बिकने वाली टिकट चंद दिनों में ही 5 रुपये में बेची जाने लगी थी। पहली साउंड फिल्म आलामारा ने इतिहास रचने के साथ ब्लैक मार्केटिंग की भी शुरुआत की थी। लोग कम कीमत में टिकट खरीद कर उसे 2 गुनी कीमत में बेच रहे थे। फिल्म देखने के लिए लोग ऐसे उत्साहित थे कि उन्हें महंगी टिकटें खरीदने पर भी संकोच नहीं था।
1933 में अर्दशीर ईरानी ने ईरान जाकर वहां पहली ईरानी फिल्म लोर गर्ल बनाई। उन्होंने अपने रुपयों से ये फिल्म बनाई और डायरेक्ट की, जबकि इसके डायलॉग उन्होंने अपने दोस्त अब्दुल हुसैन संपत्ता से लिखवाए, जो उनके साथ टेंट शो करवाते थे। ईरान में जब कोई कलाकार फिल्म में काम करने के लिए राजी नहीं हुआ तो अर्दशीर ईरानी ने अब्दुल हुसैन को फिल्म का हीरो और उनकी पत्नी रोहानगीज सामीनेजाद को हीरोइन बनाया। ये ईरान में बनी पहली साउंड फिल्म थी। जब ईरान में रोहानगीज ने फिल्मों में काम किया तो काफी विवाद हुआ, उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। एक दिन जब वो घर से बाहर निकली तो उनके साथ कई पुरुषों ने विरोध करते हुए यौन उत्पीड़न किया। जान बचाने के लिए रोहानगीज ने अपना नाम बदल लिया और फिर ताउम्र गुमनामी में ही रही। अर्दशीर ईरानी ही ईरान में साउंड फिल्में लेकर आए, लेकिन ईरान सिनेमा के इतिहास में उन्हें कभी क्रेडिट नहीं दिया गया। 1937 में अर्दशीर ईरानी ने सादत हसन मंटो की नॉवेल पर फिल्म किसान कन्या बनाई। ये भारत की पहली रंगीन फिल्म थी। फिल्म को 8 जनवरी 1937 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में रिलीज किया गया था। जब प्रमोशन के दौरान अखबारों में खबर छपी कि भारत में अब फिल्मों में रंग दिखाए जाएंगे तो हर कोई फिल्म देखने के लिए उत्सुक था। शुरुआती कुछ दिनों तक सिनेमाघरों में भीड़ देखने मिली, लेकिन गरीब किसानों की कहानी दिखाने वाली फिल्म इतनी पेचीदा थी कि ज्यादा दिनों तक चल नहीं सकी। फिल्म के जरिए बड़े पर्दे पर रंगों में देखी जाने वाली पहली एक्ट्रेस पद्मा देवी थी और एक्टर निसार और गुलाम मोहम्मद थे। सादत हसन मंटू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में फिल्म की जिक्र करते हुए लिखा था कि उस समय अर्दशीर ईरानी की आर्थिक स्थिति खस्ता थी। उनके पास पैसों की कमी थी, इसके बावजूद उन्होंने रंगीन फिल्म बनाने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें हमेशा से ही कुछ नया कर दिखाने की चाह थी। उस समय मंटो 20 रुपए महीना वेतन पर अर्दशीर के स्टूडियो इंपीरियल फिल्म कंपनी के मुंशी हुआ करते थे। पैसों की कमी थी तो अर्दशीर ने मंटो के लेखन का हुनर समझते हुए उनसे ही फिल्म लिखवा ली थी, लेकिन अर्दशीर नहीं चाहते थे कि उनके मुंशी मंटो का नाम फिल्म के राइटर के तौर पर लिखा जाए। ऐसे में मंटो ने ही प्रोफेसर जियाउद्दीन का नाम सुझाया, जो शांति निकेतन में फारसी पढ़ाते थे। ऐसे में स्टोरी का क्रेडिट प्रोफेसर जियाउद्दीन को गया और स्क्रीन प्ले में नाम आया मंटो का। पृथ्वीराज कपूर, महबूब खान और सुलोचना जैसे लेजेंडरी सितारों को भी अर्दशीर ईरानी ही अपनी फिल्मों से हिंदी फिल्म जगत में लाए थे। अर्दशीर ईरानी ने 1931 में फिल्म कालिदास बनाई। ये तमिल और तेलुगु के साथ साउथ सिनेमा की पहली साउंड फिल्म थी। 1931 में ही अर्दशीर ईरानी ने अंग्रेजी भाषा में फिल्म नूरजहां बनाई। यह भारत में बनी पहली अंग्रेजी फिल्म थी। 25 साल के फिल्मी सफर में अर्दशीर ईरानी ने करीब 158 फिल्में बनाई, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ तो अर्दशीर ईरानी ने फिल्में बनाना बंद कर दिया। दूरदर्शी अर्दशीर ईरानी का मानना था कि युद्धकाल फिल्म इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं है और इस दौरान फिल्में बनाने वाला शख्स नुकसान में ही रहेगा। फिल्मों के जनक दादा साहेब फाल्के ने युद्ध के दौरान फिल्में बनाई, लेकिन उनकी फिल्में नुकसान उठाती रही और उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। अर्दशीर ईरानी ने कुछ सालों बाद अपने स्टूडियो को बंद कर उसका सामान बेच दिया। आगे उन्होंने ग्रामोफोन एजेंसी और कार एजेंसी से कमाई कर गुजारा किया। फिल्मों को अपनी जिंदगी समझने वाले अर्दशीर ईरानी ने ताउम्र कभी शादी नहीं की। ऐसे में जिंदगी के कुछ आखिरी साल उन्होंने अकेले गुजारे। 14 अक्टूबर 1969 में अर्दशीर ईरानी का 82 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। हिंदी फिल्म जगत को एक नई पहचान दिलाने वाले इस महान फिल्म मेकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई बदलाव और महान पड़ाव जोड़ने वाले महान फिल्म मेकर अर्दशीर ईरानी के किस्सों का सफर आज के लिए यहीं तक। फिल्मी इतिहास को लेकर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।